हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ पापड़ की सब्जी। तो उसके लिए मैंने लिया है पापड़, दो प्याज, एक टमाटर, अदरक और लहसुन, जिसे मैंने सबको कट करके एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। जिसे मैं से अब ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार है। और इसके लिए मुझे चाहिए दही, तो मैंने आधे कप दही लिए, फ्रेश दही। और मैं अब पापड़ को सेक लूँगी। तो जो है पापड़ पे मैं तेल, ऑयल जो है सरसों का ऑयल तेल, इस तरीके से लगा के अब मैं गैस पे धीमी आंच में अब इसे अच्छे से पका लूँगी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे आप सजेशन भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो बनानी नहीं आती। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने अपने पापड़ को इस तरीके से गैस पे सेक लिया। 2 मिनट के अंदर ये एकदम कतिक इस तरीके से पूरा कड़ा हो जाता है। तो अब मैं इसे इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर लूँगी। और टुकड़े करने के बाद इसे मैं ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, थोड़े बड़े बड़े रहने देना, ताकि वो जब वो मैं उसे रस में डालूँ तो ज़्यादा देर गले नहीं, ना टूट जाती है। तो इसलिए अब मैंने गैस पे डाल चुकी हूँ कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और उसमें मैंने डाला है मेथी, जीरा और थोड़ी सी सौंफ और 2 तेज़ पत्ते और 1 लाल मिर्च फ़ोरन में। और अब मैं इसमें ये कटे हुए प्याज डाल दूँगी इस तरीके से। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे लाल होने तक फ्राई करूँगी। मेरे घर में तो मेरे घर में सबको पापड़ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रेगुलर बनाती हूँ। जब शाम में खाने में सब्जी नहीं होती तो मैं पापड़ की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और वो जो मैंने ग्राइंड करके मसाले रखे थे, मैं वो सारे इसमें डाल कर 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं उसमें सारे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, मरीच पाउडर, धनिया पाउडर हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़े से पानी डालूँगी। और अब इसे हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। और जब ये 10 मिनट फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी दही। अब दही डालने के बाद ना बिल्कुल भी रुक मतलब छोड़ना मत, वरना ये फट सकती है। तो इसलिए ये अगर फट गई तो सब्ज़ी एकदम बेकार बन जाएगी। तो इसलिए जब तक उसे 2-3 मिनट तक आप चलाते रहें, रेगुलर चलाते रहें। और जब 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। मैं जी मेरा पानी वाइट जैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने दही की कटोरे से ही मैंने पानी डाल दिया। और मैं अब इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, जैसे ही थोड़े से गर्म हो जाएंगे पानी, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी पापड़, जो कि मैंने सेक करके तोड़ के रखा हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से मैं फैला करके डाल दूँगी। और इसे छलनी एकदम धीरे से जलाना है ताकि ये टूटे ना। और बस 5 मिनट इसे लगने दूँगी, और उसके बाद तैयार है मेरी सब्जी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।